आदरणीय सभी मान्यगण, जितने भी मान्यवर यहाँ बैठे हुए हैं, और आदरणीय प्रधान जी, आप सबके सानिध्य से श्री रामपाल गुप्ता जी, सूरजपाल गुप्ता जी की इस भूमि दान से हम लोग यहाँ गुरुकुल का निर्माण करना चाहते हैं, गोरखनाथ गुरुकुल, जिसमें आप सभी के बच्चे निःशुल्क रहेंगे, खाना पीना फ्री होगा, उनका रहना फ्री होगा, शिक्षा फ्री होगी, सब कुछ फ्री होगा, ठीक है। साथ में आपके आसपास के करीब 2,500-3,000-5,000 गांव जितने भी हैं, जमीन थोड़ी है स्टार्टिंग, भले ही हम छोटे स्तर से कर रहे हैं मगर इसको बढ़ा देंगे आप लोगों के सहयोग से, ठीक है। हमारा उद्देश्य है हर घर से एक बाल बालिका को, एक बच्चे को, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसे यहाँ लेंगे अपने संरक्षण में, हर घर से। बच्चा पंडित का हो, बच्चा ठाकुर का हो, बच्चा भंगी का हो, दलित का हो, किसी का भी हो, हमारे लिए सब हमारे बच्चे हैं, ठीक है। जो भी कोई आदमी जातिवाद करता है, क्षेत्रवाद, भाषावाद की बात करता है, वो हमारा दुश्मन है। हम चाहते हैं कि इस गांव के अंदर, इस जिले के अंदर जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद समाप्त हो, ठीक है, और सभी नागरिक समान रूप से काम करें। और वो कब होगा? जब एक साथ बैठेंगे, एक जगह खाएंगे, एक जैसा शिक्षा लेंगे, एक जैसा ज्ञान लेके जब 12 वर्ष बाद निकलेंगे तो वो हिंदू होकर निकलेंगे, पंडित ना ही बनिया ही या भंगी या चमार नहीं होंगे, वो भारतीय मनुष्य होंगे, मानव जाति बनकर निकलेंगे, ठीक है। तो हम ऐसी शिक्षा दे करके हर घर में रानी लक्ष्मीबाई और चंद्रगुप्त मौर्य पैदा करना चाहते हैं, ताकि जब उनके हर घर से अफजल गुरु निकले तो आपके हर घर से महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी और भगत सिंह निकलने चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ गुरुकुल बनाने के लिए आए हैं। खाली जमीन दान लेने से और हमारे निर्माण करने से काम नहीं चलेगा, जब तक प्रत्येक गांव के आसपास के प्रत्येक नागरिक इसके साथ वहीं जुड़ेगा, तब तक ये आयोजन प्रायोजित नहीं हो पाएगा सही से, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि जितने भी आप सबके रिश्तेदार जहां जहां भी रहते हैं उनको इसके साथ जोड़ें, उन्हें बताएं कि हम लोग जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद को समाप्त करने के लिए गुरुकुल शिक्षा के द्वारा हर बाल बालिका को राम और कृष्ण जैसा चरित्र पैदा करना चाहते हैं, ठीक है। हर बालक के अंदर, हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं रखना किसी को लेके, ना खाने में ना पीने में, जातिवाद जो करेगा उसको हम लोग यहाँ से समाप्त कर देंगे, ठीक है। और आप सबको जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे और खुद खड़े होकर इसे बनवाएंगे तब मजा आएगा। जब तक मानसिक रूप से हम सब नहीं जुड़ेंगे तो खाली इनके दान देने से और मेरे यहाँ निर्माण करने से काम नहीं होगा, ठीक है। उनकी पवित्र भावना देखिए, आज एक डोला अगर कोई बढ़ा लेता है एक फावड़ा मार के तो खून की नदियां बह जाती हैं वहां, मगर आपके बीच में आपके गांव के, हम जैसे हम लोग देहरादून रहते हैं, ये पंजाब के रहने वाले, दुष्यंत जी यहाँ के रहने वाले हैं, संभल के, है ना, हर कोई बहुत दूर दूर से चल के आया आपके पास। तो ऊपर वाला चाहता है कि कोई पवित्र और नेक कार्य आप लोगों के गांव से शुरुआत हो और आप उसके संचालक बने, आप उसको बनाए, आप ही कुछ करें। जो कमेटी हम बनाएंगे गोरखनाथ पीठ के नाम, तो रजिस्ट्री इसलिए कराएंगे कि कल को कोई विवाद ना कर दे, ठीक है। क्योंकि जितने भी आज गुरुकुल बंद पड़े हैं वो सिर्फ संपत्ति के लालच में बंद पड़े हैं। आज भूमि का हो सकता है मूल्य बहुत कम हो, मगर कल को जब बड़ा प्रोजेक्ट बनता है तो मूल्य भी बढ़ते हैं, और जब मूल्य बढ़ते हैं तो आदमी पापी हो जाता है, ठीक है। हम ये नहीं चाहते कि हम किसी के भी नाम करा दें, कल को पाप और अपराध यहाँ पले, इसलिए रजिस्ट्री जो होगी वो तो होगी गोरखनाथ पीठ के नाम, मगर कमेटी आप लोगों की होगी, संचालन आप लोगों के हाथ में रहेगा, मालिक आप लोग रहेंगे। जिसे आप कहेंगे ये सही है, सही काम कर रहा है, वो रहेगा, जिसे आप लोग कहेंगे ये सही नहीं है, उसे निकाल के बाहर खड़ा कर देंगे, ठीक है। गांव के प्रत्येक नागरिक का सम्मान सबसे पहले है। और जिस दिन यहाँ गुरुकुल खुलना शुरू होगा, भले ही हम 10 बच्चे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मगर हम इसे 20,000 बच्चों में लेके जाएंगे, 20,000 बच्चे। और कल्पना कीजिए एक बार, जिस दिन 20,000 बच्चे इस गुरुकुल में आ जाएंगे तो कम से कम 3,000 लोगों को यहाँ नौकरी मिलेगी, गांव के प्रत्येक नागरिक को। जो बच्चे दूसरे शहरों में जाके किराए पे रह रहे हैं या मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से उनका प्रतांडन हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, वो समाप्त होगा, उन्हें वापस बुलाएंगे, ठीक है। वो गुरुकुल में अगर पढ़ा लिखा है तो उस हिसाब से काम करेगा, अनपढ़ है तो बहुत सारे काम है गुरुकुल के अंदर ही, ठीक है। सबका रोजी रोजगार उससे चलेगा, गौशाला भी होगी, ठीक है। और 20,000 बच्चे जब रहेंगे तो जितने किसान हैं, क्या बच्चे सब्जी नहीं खाएंगे,
बस ये निवेदन करेंगे आप लोगों से कि जैविक खाद से सब्जियां पैदा करेंगे, अनाज जैविक खाद से पैदा करेंगे, ताकि जो बच्चे आप ही के तो बच्चे पढ़ेंगे वो, जब वो मजबूत अच्छा भोजन करेंगे तो उनका दिमाग भी अच्छा होगा, शरीर अच्छा होगा, और स्वस्थ दिमाग जब होगा तो स्वस्थ भारत का निर्माण होगा, ठीक है ना। तो प्रत्येक जो किसान है उसका खेत में जो भी सब्जी पैदा हो रही है उससे वही हमारा आचार्य जाके खरीदेगा, उसका मूल्य उचित मूल्य वही देगा, ना तो उसे मंडी में दलाली देनी पड़ेगी, ना उसे ढुलाई का खर्चा देना पड़ेगा। तो यहाँ गांव के 2,500-3,000 परिवारों को कृषक जो किसान है उनको भी रोजगार मिलेगा। यानी कि ये इसे इस नजर से भी देखते हैं, देख सकते हैं गुरुकुल को एक उद्योग की फैक्ट्री भी लग रही है आपकी, ठीक है। शिक्षा हो गई, हम लोग इंग्लिश मीडियम के साथ साथ इंग्लिश पढ़ाना इसलिए आवश्यक है कि दुनिया की भाषा है, ठीक है। हम खाली वेद पढ़ा के पंडित भी नहीं बनाना चाहते, हम चाहते हैं इंग्लिश मीडियम के साथ साथ गीता रामायण वेद पुराण गुरु ग्रंथ साहब आदि ग्रंथ पढ़ करके बच्चा राम और कृष्ण के तरह चरित्रवान भी बने, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग अपनी भारतीय परंपरागत जो शिक्षा नीति है उसको भी लागू करेंगे, और जो हमारी वैदिक शिक्षा है उसको भी लागू करेंगे, और जो क्लास होंगी हमारी सिलेबस जो हम देंगे आपको वो इस तरीके से देंगे कि जो वेद है चाहे गीता है चाहे रामायण है चाहे इंग्लिश है चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, कथा के द्वारा मंचन के द्वारा रामलीला की तरह और इस तरीके